लॉकडाउन रहेगा अगले दो हफ्ते भी। हमने ये फैसला किया कि शहरों के अंदर हम कंस्ट्रक्शन और कई और इंडस्ट्री को खोल देंगे आज से। सारे सूबों के अंदर बाकायदा तफसील में मुशावरत हुई है। लॉकडाउन अगले दो हफ्ते बरकरार रहेगा। वजीर आजम ने तामीराती इंडस्ट्री आज से खोलने का ऐलान कर दिया। कहा फैसले सूबों के साथ इत्तफाक के राय से किए। 18वीं तरमीम के बाद सूबे फैसले करने में आजाद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कोरोना अंदाजों से कम फैला, अमवात भी अंदाजों से 50% कम हुई, लेकिन एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कल ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान। घर बैठकर मरने से बेहतर है गिरफ्तार होकर मर जाएं। सिंध ताजे इत्तेहाद ने कल से तमाम कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। कहा जोर जबरदस्ती की तो अहले खाना के हमरा वजीर आला हाउस पर धरना देंगे। कारोबार नहीं खोलेंगे तो मुलाजमीन को तनख्वाहें भी नहीं दे सकेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और उनकी फैमिली का कोरोना टेस्ट मनफी निकला। चीफ जस्टिस के चैम्बर के अहलकार का टेस्ट मुस्बत आने पर जजेस और अमले के टेस्ट किए गए हैं। पंजाब की जेलों में मौजूद कैदियों में कोरोना का इंकशाफ। लाहौर कैंप, सियालकोट और डीजी खान की जेलों में 89 कैदियों में वायरस की तस्दीक। कराची में 11 यूसीज को क्यों सील किया गया, इन इलाकों में कितने अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, सिंध हुकूमत खुद लाइल्म है। सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए साईं सरकार की कारकर्दगी को अफसोसनाक करार दे दिया। 8 अरब के राशन की तकसीम की तफसीलात तलब। अदालत का पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। बैन-उल-सूबाई सफरी पाबंदी से मुतालिक नोटिफिकेशन कालादम करार। तिब्बी अमले को तमाम जरूरी सामान फराहम करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नौजवान के लिए एक और अहम फैसला। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत रकम बढ़ाने की मंजूरी दे दी। नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा कर्जे की हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दी गई। लॉकडाउन में नरमी आते ही नौजवानों को कारोबारी मैदान में आगे बढ़ने की दावत। सऊदी अरब में इस रमजान बाजमात नमाज तरावी नहीं होगी। सऊदी वजीर बराए मजहबी उमूर का ऐलान। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं उलमाए कराम की मुशावरत से माह रमजान और मसाजिद के हवाले से यकसां पॉलिसी का निफाज होगा। तो प्लीज आप जरा पब्लिक को बताएं। मीडिया से, बैंकारी से और जो हमारे रिलीफ की एक्टिविटीज कर रही है ऑर्गेनाइजेशंस, इनके ऊपर ऑलरेडी पहले से इत्तफाक मौजूद था सूबों में और वफाक तमाम सूबों में और इकाइयों में और वफाक में, और इनके साथ मुंसलिक जितनी सनत है, जितने कारोबार हैं, जितनी दुकानें हैं और उनकी सप्लाई चेन है, वो पाकिस्तान में आज अल्हम्दुलिल्लाह खुली हैं और ये इन चीज़ों की तरसील जो है वो स्मूथली जा रही है। इसके अलावा हमने वज़ीर आज़म साहब की हदायत के ऊपर वो लो रिस्क यानी कि जहाँ पर ख़तरा कम है वबा के फैलने का बनिस्बत दूसरी सनतों के, उनको भी आइडेंटिफाई किया। और जो मंदरजा झेल इंडस्ट्री है वो उसके ऊपर तमाम इकाइयों में और तमाम सूबों में और वफाक में मुकम्मल हमाह की है
और वो ये हैं, केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए, ई कॉमर्स लोकल और लोकल डिलीवरीज के लिए चंद आइटम्स की जो ज़रूरी अशियाँ हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग जो फर्म्स जिसके अंदर मुंसलिक हैं, पेपर और पैकेजिंग यूनिट्स जो हैं, इंडस्ट्रीज जिनकी लेबर जो है वो उनकी प्रेमिसेस के ऊपर मौजूद है, जाहिर है ये सारा कुछ एसओपीज के साथ है, सीमेंट प्लांट्स, फर्टिलाइजर प्लांट्स क्योंकि ये हमारी ज़राअत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, माइंस और मिनरल्स, हमारे धोबी, ड्राई क्लीनर और लॉन्ड्री सर्विसेज, हमारे मुल्क में पौधों की और दरख्तों की जो नर्सरियाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों में और देहातों में, जो हमारे ज़राअत के लिए मशीनरी बनाने वाले यूनिट्स हैं और उनके आलात बनाने वाले यूनिट्स हैं उनको भी खोला जाएगा, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यानी जो शीशा बनाने वाली सनतें हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं, वेटरनरी सर्विसेज यानी जानवरों के लिए जो तिब्बी इमदाद और उनके हस्पताल हैं उनको खोला जाएगा, तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, लेकिन बशर्त उसकी ये होएगी, शर्तिया ये कि जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है वो उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पहले कन्फर्म करेगी। इसी तरह किताबों की दुकानें और स्टेशनरी की दुकानें, चाहे वो सूबों के पास जाहिर है कि इसमें मुख्तलिफ राय थी कि स्टैंड अलोन दुकानें खोली जाएँ या होम डिलीवरी के लिए खोली जाएँ, ये सब सनतें खुलेंगी उन हफाजती तदाबीर के साथ, उन एस ओ पी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ जो गुज़िश्ता हफ्तों के अंदर ऑलरेडी सूबों को फराहम कर दिए गए हैं। दो ऐसी जगह आई हैं जहाँ पर हमें सूबों के दरमियान इत्तफाक जो है और वफाक के दरमियान और सूबों के दरमियान मुख्तलिफ आरा नज़र आई हैं। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, तरखान हैं, दर्जी हैं और रेड़ी लगाने वाले और ठेला लगाने वाले हैं, उसके अंदर हमारी ये रिकमेंडेशन है कि उनको खोला जाए, उनको इजाज़त दी जाए कि वो अपना ज़रिया माश बहाल कर सकें और उनका रोज़गार बहाल हो सके। इस पे मुख्तलिफ आरा थीं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के अंदर, इसके अंदर उन्होंने रजामंदी का इजहार हमें नज़र आया, और दूसरी तरफ जबकि वो समझते हैं कि इसको दूसरे तरीके से लेके चलना है और ये इसके ऊपर हमारा ये उनका इस्तेकाक है। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हमने प्रपोज़ किया है कि इसको फेजेस के अंदर खोला जाए। सबसे पहले कि जो आपकी बुनियादी चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन की, यानी ईंट है, सीमेंट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको, उनकी जो एक्टिविटीज़ उससे मुंसलिक जो एक्टिविटी है उसको पूरे पाकिस्तान में खोला जाए, और इस चीज़ के ऊपर अलबत्ता सूबों में तमाम इकाइयों में और हम में ये इत्तफाक़ है कि फ़लानी जो मंदरजा ज़ेल चीज़ें हैं और सनतें हैं इनको खोला जाए। सीमेंट प्लांट्स जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, ईंटों के भट्टे जो कि शहर से बाहर होते हैं और खुले मैदानों में होते हैं, बजरी के जो क्रशिंग प्लांट्स होते हैं, स्टोन के क्रशिंग प्लांट्स होते हैं, इनको खोला जाए, बिचुमन के प्लांट्स को सड़क की कंस्ट्रक्शन के लिए, जो प्री फैब मटीरियल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको खोला जाए। तो ये वो सनत है कंस्ट्रक्शन के साथ जिसको हम पहले फेज़ में खोलने की रिकमेंडेशन हमने दी है। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स खुलेंगी और इन चीज़ों पे कंसेंसस है जो मैंने आपको सनतें बताई हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स खुलनी हैं, कहाँ पे खुलनी है, किस दुरानिये में खुलनी है, उसके ऊपर इत्तफाक राय नहीं था सूबों के दरमियान। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की जो राय थी कि इसको जल्दी खोला जा सकता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स को फौरी तौर के ऊपर हम खोल सकते हैं, जबकि जो दूसरे सूबे हैं उनकी इसके ऊपर अपनी राय थी। गिलगित बल्तिस्तान का ये ख्याल था कि सरकार की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन के मंसूबे हैं सड़क के या दूसरे, उनको फौरी तौर पर खोला जाना चाहिए, और उस पर हम गौर कर रहे हैं। मैं आखिर में दोबारा यहाँ पर एक मरतबा ये हाईलाइट करूँगा कि ये जितनी सनतें जो हम खोलने जा रहे हैं ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि ये जो कोरोना की वबा है पूरी दुनिया में ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है और हम इसको साथ के साथ इस सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, और इंशाल्लाह ताला रमज़ान शुरू होने से पहले हम मज़ीद इसका रिव्यू करेंगे, और अगर हमें कोई एडिशनल सेक्टर जैसे नज़र आए कि जिनको मज़ीद खोला जा सकता है और ताकि लोगों कम से कम लोगों के ऊपर हमारी जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमने बंदिशें लगाई हैं इसका बोझ कम से कम आम आदमी पे आए, तो हम उनको भी खोलने की रिकमेंडेशंस देंगे। शुक्रिया जी, हमाद शुक्रिया।